हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्लास 11th का फिजिक्स हिंदी मीडियम, और हम आज पढ़ने वाले हैं वृत्ति गति के विभिन्न रूप। मतलब वृत्ति गति आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, आप टू डायमेंशन मोशन में, द्विमी गति में, समतल में गति के टॉपिक में मैंने आपको वृत्ति गति क्या है, वृत्ति गति के पूरे कॉन्सेप्ट, और वृत्ति गति में अभिकेंद्र त्वरण और अभिकेंद्र बल, ये टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। ये आपको तैयार होना चाहिए। बाय द वे, आपने वीडियो नहीं देखा है या आप उसको तैयार नहीं कर पाए हैं, तो आपको मेरा सजेशन है कि सबसे पहले आप उसको तैयार करिए, क्योंकि मैं उसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और आज हम एक समान वृत्ति गति के विभिन्न रूपों को अपन पढ़ेंगे, जिसमें आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और वो है ऊर्ध्वाधर मार्ग, वृत्ति मार्ग, ना ऊर्ध्वाधर सामान्य मार्ग नहीं है, मार्ग क्या है, वृत्ति या वृत्ताकार, ऊर्ध्वाधर वृत्ति मार्ग में पिंड की गति। ये टॉपिक का मतलब क्या है अभी आपको मैं समझा दूं सबसे पहले कि ऊर्ध्वाधर वृत्ति मार्ग में पिंड की गति क्या है। आपने बचपन में कुछ इस तरह का खेल किया होगा या अभी भी करते होंगे कि हम किसी छोटे बकेट में, बाल्टी में पानी भर लें, या छोटे से किसी भी अपन कंटेनर में पानी भर लें, और पानी को बकेट में खासकर ऐसे पकड़ के हम उसको इस तरह से घुमाएं ऊपर। तो आपने देखा होगा जब हम हाथ को तेज़ी से ऊपर घुमाते हैं तो बकेट ऊपर जाने के बाद भी जब वो ऊपर जाके उल्टा हो जाता है तब भी पानी नीचे की ओर नहीं गिरता, तो हमको बहुत मज़ा आता है। हम बचपन में ऐसा करते थे और बहुत इंजॉय करते थे कि भाई बाल्टी उल्टा हो गया तो भी उसका पानी नीचे नहीं गिरा, और बहुत खुश होते थे कि क्यों नहीं गिरा। आज हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, उसका पूरा साइंटिफिक रीजन जानने वाले हैं, और पूरा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने वाले हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वृत्ति गति का। वैसे वृत्ति गति के इस पार्ट में जो जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, दो तीन पार्ट में इसको मैं पढ़ाऊंगा छोटा छोटा पार्ट लेके, क्योंकि एक साथ में सब पढ़ा दूं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आज हम सिर्फ यही टॉपिक पढ़ेंगे, ऊर्ध्वाधर वृत्ति मार्ग में पिंड की गति किस प्रकार से होती है। तो यहाँ एक सोचने की बात है कि उल्टा होने के बाद भी पानी नीचे क्यों नहीं गिरा। या एक और एग्जाम्पल दूँ आपको कि सपोज हम किसी छोटे से पत्थर को रस्सी से बांध लें और बांध के इस तरह से घुमाते हैं तो वो ऐसा घूमता है ऊपर, ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर वृत्ति मार्ग है ना, ये क्षैतिज वृत्ति मार्ग होगा इस तरह से, और ये होगा ऊर्ध्वाधर। जैसे आप झूला देखे होंगे, दो तरह का झूला, एक आप इस तरह से देखे होंगे सीसा जो ऊपर नीचे होता है, और आपने मेरी गो राउंड देखा होगा इस तरह से गोल गोल वो घूमता है। तो वृत्ति गति हम दो प्रकार से यहाँ पर समझ सकते हैं, एक जो क्षैतिज जो ऐसा घूमे, और एक ऊर्ध्वाधर जो ऊपर की ओर घूमे। तो यहाँ पर हम आज पढ़ने वाले हैं ऊर्ध्वाधर वृत्ति मार्ग में पिंड की गति। तो अब यहाँ पर हम जब पत्थर को इस तरह से घुमाते हैं तो आपने देखा होगा कि हम पत्थर को जब तेज़ी से घुमाते हैं तो पत्थर ऊपर जाके यहाँ जब पहुँचता है तो उसको नीचे गिरना चाहिए, लेकिन नहीं गिरता, वो आगे चला जाता है। लेकिन पत्थर के वेग को हम धीरे 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 कम करते जाएँ तब आपने देखा होगा कि पत्थर के ऊपर जाके वृत्ति गति करने के बजाय वो गिर जाता है। तो बहुत से एग्जाम्पल हम आगे इसमें पढ़ने वाले हैं, आज जो मैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर रहा हूँ बहुत ध्यान से समझेंगे यहाँ पर। तो देखिए, ये सिचुएशन है वृत्ति मार्ग में पिंड की गति का, कि सपोज ये कोई वृत्ति पथ है, इसको ऊर्ध्वाधर वृत्ति मार्ग आप समझ लीजिए, और इसकी हम त्रिज्या को सपोज मान लिए स्मॉल आर, ये इसकी त्रिज्या है, ये इसका केंद्र है ओ, और हमने एक रस्सी से एक पत्थर को बांधा हुआ, अटैच किया हुआ है, सपोज वो ये है जो ब्लोइंग से मैं बताया वो रस्सी है सपोज, और ये वो पार्टिकल है, वो पिंड है जिसको हम इस तरह से घुमा रहे हैं। देखिए, वृत्ति गति का बेसिक कॉन्सेप्ट मैं कंप्लीट क्लियर कर चुका हूँ, एक बार फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ, यदि आपको वृत्ति गति का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करो, और आप मेरे प्ले लिस्ट में जाओ, और प्ले लिस्ट में जाके आप 11th क्लास हिंदी मीडियम के फिजिक्स में सर्च करो समतल में गति, और समतल में गति में आपको उसको रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, फिर यहाँ पहुँचो, और यदि वो तैयार है तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। तो ये पिंड यहाँ पहुँच गया, अब जब ये यहाँ पर पहुँचेगा तो इसके जो गति की दिशा है स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, सब वहाँ हम पढ़े हैं, ये V1 है,
और ये इसके गति की दिशा है, क्योंकि किसी वृत्ति पथ पर किसी पिंड के गति की जो दिशा होती है वह उस बिंदु पर खींचे गए स्पर्श रेखा की दिशा में होती है। तो यहाँ पर ये इसकी दिशा होगी और इस पर नीचे की ओर जो जो बल कार्य करेगा उसमें एक बल कार्य करेगा तनाव बल T1, या T1 तनाव बल है, और इसी दिशा में कार्य करेगा पिंड का भार जो कि क्या है mg है। इस प्रकार से यहाँ पर T1 और mg इसके केंद्र की ओर कार्य करेगा और वह उसके अभिकेंद्र बल के बराबर होगा, क्योंकि केंद्र की ओर कार्य करने वाला जो बल होता है, जो बल केंद्र की ओर कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो देखिए, सबसे पहले हम इसको इस पिंड का पोजीशन ए कहते हैं, ए, या इसको हम एच कहते हैं, एच फॉर हाईएस्ट पोजीशन होता है, एच माने हाईएस्ट पोजीशन एच, और यहाँ पर हम लोएस्ट पोजीशन कहेंगे। क्लियर। तो ये पिंड जब हाईएस्ट पोजीशन में होगा तो वहाँ पर, ठीक है, तो पहला कैलकुलेशन हम स्टार्ट करेंगे बिंदु एच पर। क्लियर। बिंदु एच पर जो कि हाईएस्ट पॉइंट है, इस पॉइंट पर हम कैलकुलेशन करें तो यहां पर देखो इसका जो अभिकेंद्र बल होगा वो क्या होगा, mv1² / r, ये अभिकेंद्र बल होगा। यहां पर इसका वेग क्या है, v1 है, जो कि केंद्र की ओर लगने वाले बल के, अभिकेंद्र बल सदैव उस बल के बराबर होता है जो उसके केंद्र की ओर कार्य करता है। तो केंद्र की ओर कार्य करने वाले बल कौन कौन से हैं, ये है T1 और प्लस mg, ये दो बल इसके केंद्र की ओर कार्य कर रहे हैं। क्लियर यहां तक। अब यहां पर एक डिस्कशन आप बहुत ध्यान से समझना कि यहां पर हम देखें तो इसका जो अभिकेंद्र बल है तनाव बल और उसके भार पर निर्भर करता है, लेकिन भार तो क्या होता है, स्थिर होता है, नियत होता है, तो इसका जो अभिकेंद्र बल है वो T1 पर डिपेंड करेगा, दैट मीन्स mg कांस्टेंट है, भार तो नियत है। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड को आप देखो तो यहाँ पर m कांस्टेंट है, पिंड का द्रव्यमान नियत है, और जिस मार्ग पर वह वृत्ति गति कर रहा है उस मार्ग की त्रिज्या भी नियत है। अब यहाँ पर वेरिएबल जो परिवर्तनशील राशि है वो क्या है, पिंड का वेग है, क्योंकि जैसे हम बाल्टी को इस तरह से घुमा रहे हैं तो चाहे तो हम तेजी से घुमा सकते हैं, चाहे तो हम धीरे धीरे घुमा सकते हैं। पत्थर को हम घुमा रहे हैं तो हम तेजी से भी घुमा सकते हैं और धीरे धीरे भी घुमा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि V1 क्या है, उसका वेग है, और इसी पर यह T1 क्या है डिपेंड करता है। ये प्रैक्टिकल आपने ये बात महसूस किया होगा कि हम जब रस्सी को तेजी से घुमाते हैं तो रस्सी में जो तनाव होता है वो हमको ज़्यादा महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वेग जो है वह तनाव बल के क्या है, समानुपाती है। दैट मीन्स वेग बढ़ेगा तो तनाव बल भी बढ़ेगा, और वेग यदि घटेगा तो तनाव बल भी घटेगा। अब यदि हम वेग को घटाना स्टार्ट किए, कम करना शुरू किए, तो तनाव बल भी कम होगा। धीरे 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 हम वेग को इतना कम कर दिए कि जब बाल्टी ऊपर जाएगा तो आपको पता है कि बाल्टी से पानी नीचे तब तक नहीं गिरता जब तक हम उसको तेजी से घुमाते हैं। यदि हम बहुत आराम से घुमाएं तो ऊपर जाके फिर पानी हमारे सिर में गिर जाता है, ये आपको पता है। दैट मीन्स यहाँ पर पानी का नीचे गिरना या नहीं गिरना इस बात पर डिपेंड करता है कि वेग कितना है, और वेग डिपेंड करता है फिर तनाव पर कि तनाव बल कितना है। तो यहाँ पर वेग और तनाव में क्या संबंध है कि यदि हम पिंड के वेग को घटाते जाएं तो तनाव बल भी क्या होता है, घटते जाता है। तो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है और उसको हम कहते हैं क्रांतिक वेग, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं VC से। और क्रांतिक वेग का कॉन्सेप्ट क्या है, क्रांतिक वेग पिंड का वह न्यूनतम वेग है जिस पर तनाव शून्य हो जाता है। मतलब यदि पिंड पर जो वेग है V1 वो क्रांतिक वेग के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में तनाव बल क्या हो जाता है, शून्य। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप इसको ध्यान रखना। क्लियर। तो मैंने क्रांतिक वेग का क्या कंडीशन बताया, पिंड का वह न्यूनतम वेग, क्रांतिक वेग पिंड का वह न्यूनतम वेग है जिस पर पिंड पर तनाव बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, उसे हम क्रांतिक वेग कहते हैं। क्लियर। अब आगे इस कंडीशन को हम यहाँ पर अप्लाई कर दें तो देयरफॉर हमारा संबंध क्या हो जाएगा, ये हो गया m, और V1 को हम क्या लिख सकते हैं, VC यहाँ से, तो VC² / r इक्वल ये हो जाएगा, तनाव बल तो शून्य हो गया तो हो जाएगा mg, और हमने T1 को क्या ले लिया,
जीरो ले लिया। आगे यदि हम इसको सॉल्व करें तो दोनों साइड से एम एम कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से हम वी सी स्क्वायर का मान निकालना चाहें तो दैट इम्प्लाइज आर को उधर ट्रांसफर कर दो तो वी सी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर इंटू जी, दैट इम्प्लाइज वी सी इक्वल टू रूट ऑफ आर जी या जी आर, और यह होता है क्रांतिक वेग का फार्मूला। यदि आपको एग्जाम में क्रांतिक वेग तक का कैलकुलेशन बोले तो एक कैलकुलेशन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, क्योंकि हम इस टॉपिक पर कई फार्मूले डिराइव करने वाले हैं। ये बड़ा कैलकुलेशन है और कई फार्मूले इसमें आएंगे, हर फार्मूला अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। तो क्लियर, ये मैंने बताया क्रांतिक वेग का कंडीशन। अब देखो, अब पिंड को यदि हम इस प्रकार से गति कराते कराते ये हम इस बिंदु पर ले आए, ये इसका क्या है, लोएस्ट पॉइंट है, ये लोएस्ट पॉइंट है। तो यहाँ पर तनाव बल तो ऊपर की ओर कार्य करेगा, टी टू ऊपर कार्य करेगा, लेकिन पिंड का जो भार है हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे कार्य करता है, ऊर्ध्वाधर, तो ये क्या हो जाएगा, एम जी नीचे। यहाँ पर तनाव और पिंड का भार दोनों केंद्र की ओर था, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो पिंड पर तनाव केंद्र की ओर होगा, क्योंकि तनाव बल हमेशा वृत्ति गति करने वाले पिंड के केंद्र की ओर होता है और भार हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होता है। तो लोएस्ट पॉइंट पर इनकी दिशा इस प्रकार हो जाएगी। अब यहाँ पर हम वेग को मान लेते हैं वी टू, ये लोएस्ट पॉइंट पर वेग वी टू है, हाईएस्ट पॉइंट पर वेग क्या है, वी वन है। तो यहाँ पर यदि हम संवेग ईश्वरी ऊर्जा संरक्षण का नियम यदि हम लगा दें, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम से हम जानते हैं कि ऊर्जा न तो नष्ट होती न तो उत्पन्न होती, केवल उसका रूप बदलता है। तो एल पॉइंट और एच पॉइंट पर कुल ऊर्जा क्या होगा, नियत होगा। तो यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट लगाएं ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। क्लियर, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से यदि हम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का अप्लाई कर दें तो एच पर कुल ऊर्जा माने हाईएस्ट पॉइंट पर कुल ऊर्जा बराबर एल पर लोएस्ट पॉइंट पर कुल ऊर्जा, ये हो जाएगा। क्लियर, तो हाईएस्ट पॉइंट पर कुल ऊर्जा लोएस्ट पॉइंट पर कुल ऊर्जा के बराबर होगा। दैट इंप्लाइज आगे हम इसको सॉल्व करें तो हाईएस्ट पॉइंट पर कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा का मतलब क्या है, यहां पर कुल ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा और धन काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा, और बराबर लोएस्ट पॉइंट पर भी टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी होगा। दैट इम्प्लाइज अब देखो हाईएस्ट पॉइंट पर कुल ऊर्जा, तो यहाँ पर हम इसको यदि क्षैतिज धरातल मान लें, ये जो मैं रेड इंक से ड्रा किया ये मान लो क्षैतिज सतह है, ये क्षैतिज का धरातल है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो एच पॉइंट पर कुल ऊर्जा माने यहाँ पर कुल ऊर्जा जो कि होता है स्थितिज ऊर्जा कितना होता है, एम जी एच, जहाँ पर एम जी पिंड का भार है और एच होता है पृथ्वी सतह से उसकी ऊंचाई। तो यहाँ पर देखो पृथ्वी सतह से इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, इसके व्यास के बराबर आर धन आर मतलब टू आर। तो यहाँ पर ये हो जाएगा एम जी और एच का मान टू आर, मैंने ब्रैकेट में अलग से लिख दिया, ये इसकी ऊंचाई है कहाँ से, पृथ्वी के सतह से, क्योंकि पृथ्वी की सतह से यही इसके व्यास के बराबर ऊंचाई पर अभी है, कहाँ पर, जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर है। क्लियर, और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, 1/2 एम वी वन स्क्वायर, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2 एम वी वन स्क्वायर। क्लियर, आगे हम कार्य ऊर्जा और शक्ति में इसको पढ़ने वाले हैं, लेकिन इतना तो आप 9th क्लास से पढ़े हुए होते हैं कि स्थिति ऊर्जा क्या है और गतिज ऊर्जा क्या है। अब देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर। तो ये लोएस्ट पॉइंट पर हम जैसे पहुंचेंगे तो ये क्या है, सतह के संपर्क में है, सतह के बराबर है। तो यहाँ पर पृथ्वी सतह से उसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि सतह पर ही है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा और प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 एम वी टू स्क्वेयर। दैट इम्प्लाइज अब हम दोनों पक्षों को सॉल्व करें तो यहाँ पर आप देखिए इस पक्ष से ये एम कॉमन होके इस एम के साथ में कट जाएगा, और हम पूरे समीकरण में अब दो का गुणा कर रहे हैं, दो का गुणा कर रहे हैं ये दोनों को कटाने के लिए। तो दो का यहाँ पर गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, 4 GR, दो दुनी 4 GR हो जाएगा। यहाँ पर दो कटेगा तो बचेगा V1 स्क्वायर, यहाँ पर भी दो कटेगा तो बचेगा V2 स्क्वायर।
दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ पर हम देखो, हम स्टार्टिंग से कंडीशन लगाए हुए हैं क्या कि V1 VC के बराबर है, तो इस V1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, VC लिख सकता हूँ। तो यदि मैं इसको VC लिख दूँ तो हो जाएगा फॉर GR प्लस VC स्क्वायर इक्वल टू V2 स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज फॉर GR प्लस। अब यहाँ पर आप देखो कि इसका जो वैल्यू है VC का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, रूट ऑफ GR के, ये रूट ऑफ GR के बराबर है। तो जब ये रूट ऑफ GR के बराबर है तो यहाँ से वर्गमूल हट जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको, GR, ये हो गया GR, दैट इम्प्लाइज V2 स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज V2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूँ, तो V2 स्क्वायर इक्वल टू आएगा 5GR, देयरफॉर V2 इक्वल टू रूट ऑफ 5 × G × R, ये हो जाएगा इसका वेग V2 हो गया। ये सेकंड नंबर का कैलकुलेशन है। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि निम्नतम बिंदु पर, यदि उच्चतम बिंदु पर तनाव शून्य हो, क्योंकि हम जो भी कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो उच्चतम बिंदु पर तनाव शून्य होने का कंडीशन, इस कंडीशन के लिए हम फार्मूला निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन मैंने क्या बताया, क्रांतिक वेग किसे कहते हैं, क्रांतिक वेग की गणना कीजिए, कैलकुलेशन हो गया। इसीलिए मैं अपने बोर्ड को पार्ट पार्ट में बांट के कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मेरा पढ़ाने का तरीका यही। स्टूडेंट कंफ्यूज मत हो, एक क्वेश्चन ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये, और एक कलम और बचा कर रखा हूँ थर्ड कैलकुलेशन के लिए। तो यदि आपको एग्जाम में ये पूछा जाए कि वृत्ति मार्ग पर गति करने वाले पिंड के निम्नतम बिंदु पर वेग की गणना कीजिए, तो V2 इक्वल टू आएगा रूट ऑफ 5GR, क्लियर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें नेक्स्ट कैलकुलेशन करने वाले हैं वो है हमारा, जैसे हमने बिंदु H पर कैलकुलेशन किया वैसे ही अपन कैलकुलेशन करेंगे किस पर, बिंदु L पर। मतलब अब जो भी कैलकुलेशन करूंगा वो कहां पर है, लोएस्ट पॉइंट पर है। तो लोएस्ट पॉइंट पर यदि हम इस कंडीशन को अप्लाई करें तो अभिकेंद्र बल क्या है वहां पर, mv2 square upon r, और इक्वल किसके बराबर है वो, अब यहाँ पर जो अभिकेंद्र बल है mv2 square upon r है, जो केंद्र की ओर लग रहा है, और वो किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर T1 और mg ऐड हुए थे लेकिन यहाँ पर T2 और mg क्या होंगे, माइनस होंगे, क्योंकि दोनों की दिशा विपरीत है। तो ये हो जाएगा T2 माइनस mg। अब यदि आपके दिमाग में यहाँ पर एक क्वेश्चन आना चाहिए, यदि ये मेरा ऑफलाइन क्लास होता तो निश्चित रूप से कई स्टूडेंट तुरंत क्वेश्चन कर चुके होते कि सर आपने mg में T2 को माइनस क्यों नहीं किया। तो मैं ऑनलाइन क्लास में भी बात समझता हूँ कि आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन इमीडिएट आया होगा, जो ध्यान से पढ़ रहा होगा उसको लगा होगा कि सर दोनों की दिशा तो विपरीत है, तो आप T2 में ही mg को क्यों माइनस कर रहे हैं, mg में T2 को भी तो माइनस कर सकते थे। और आपका ऐसा सोचना बिल्कुल स्वाभाविक है कि जब दोनों की दिशा विपरीत है तो कोई किसी से घट सकता है, लेकिन यहाँ पर उसका कारण यह है कि T2 mg से ज़्यादा है। फिर आप पूछोगे कि कैसे पता चला सर कि T2 mg से ज़्यादा है, mg तो ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि यहाँ पर जो पिंड अभी इस रस्सी से बंधा हुआ है, अटैच है, वो गोल गोल घूम रहा है, और तनाव बल की विशेषता है कि यदि इस बिंदु पर भार ज़्यादा हो गया तो रस्सी टूट जाएगा और तनाव बल उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा। एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं, आप एक रस्सी से एक पत्थर को बांध के लटकाए हैं और उसमें लटका हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, उस पत्थर का जो भार है उस रस्सी पर जो तनाव बल उत्पन्न हो रहा है ऊपर की ओर उससे कम है, तभी तनाव बल उसको लटका के रखा है। अब मान लो उस पत्थर के साइज को मैं बड़ा कर दिया या कोई वजनी चीज उसमें लटका दिया, तो आपको पता है कि रस्सी टूट जाता है। ऐसा हम अपने डेली लाइफ में बहुत देखते हैं कि ज़्यादा वजनी चीज़ को लटका दिए तो जो हैंगिंग कंडीशन में जो भी स्ट्रिंग है, धागा, रस्सी जो है टूट जाता है, क्यों, क्योंकि भार ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रस्सी टूट नहीं रहा है, वो तो घुमा रहा है अभी, तो इस बात से पता चल जाता है कि अभी तनाव बल भार से ज़्यादा है, इसलिए हमने तनाव बल ने भार को माइनस किया है, क्लियर। क्योंकि यहाँ पर एक स्वाभाविक क्वेश्चन स्टूडेंट में, इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस है, हर क्लास में स्टूडेंट पूछता है कि सर आपने तनाव में ही भार को क्यों माइनस किया, तो ये कारण है उसका। आगे हम इसको यदि हम सॉल्व करें, दैट इम्प्लाइज यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं तो mv2 square, अब यहाँ पर हम क्या करें, v2 के मान को भर देते हैं, यहाँ से ये जो v2 निकाला है रूट ऑफ 5gr,
तो रूट आप 5gr यहाँ पर पुट करेंगे तो रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, है ना, केवल उसके मान को मैं ब्रैकेट में भर देता हूँ, ये हो जाएगा 5gr और अपान r इक्वल टू t2 माइनस mg, क्लियर। दैट इम्प्लाइज, अब इसको हम यदि सॉल्व करें तो यहाँ अंश और हर से ये दोनों r कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हो जाएगा 5mg, 5mg इक्वल टू t2 माइनस mg, दैट इम्प्लाइज माइनस mg को इधर ला के जोड़ेंगे तो इसके साथ जुड़ जाएगा, यह हो जाएगा t2 इक्वल टू 6mg। और लास्ट में जो क्वेश्चन ये रिजल्ट आया वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर आप अतः करके इसका पूरा रिजल्ट लिखोगे, ठीक है, इसको मैं आपको सुना देता हूँ, बाकी आप शब्दों में लिख लोगे और मेरे नोट्स में PDF जैसे डालना शुरू करूँगा सब मिलेगा। अभी मैं एक्सक्यूज़ कर रहा हूँ कि 11th क्लास का PDF थोड़ा लेट है, लेकिन आपको मिलेगा ज़रूर, क्योंकि अभी मेरा पूरा फोकस 12th क्लास पर है तो थोड़ा डिले होगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर, ठीक है। क्योंकि आप लोग का हमेशा क्वेश्चन आता है मेरे कमेंट्स बॉक्स पर कि सर 11th का PDF, स्वाभाविक है कि इतने चैप्टर होने के बाद मैंने एक भी PDF नहीं डाला, तो उसको मैं बनाऊँगा, थोड़ा डिले है लेकिन मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन का, यहाँ पर आंसर का कंक्लूजन क्या आया, उसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, यदि कोई पिंड ऊर्ध्वाधर वृत्ति मार्ग में गति कर रहा हो, और जब उसका उच्चतम बिंदु में तनाव शून्य हो, ये सब बताना पड़ेगा, उच्चतम बिंदु में तनाव शून्य हो, तो निम्नतम बिंदु पर, लोवेस्ट पॉइंट पर जो तनाव होता है वह पिंड के भार का 6 गुना होता है, 6 times होता है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, सिद्ध कीजिए कि यदि कोई पिंड ऊर्ध्वाधर वृत्ति मार्ग पर गति कर रहा हो और जब उच्चतम बिंदु पर तनाव शून्य हो, तो न्यूनतम बिंदु पर पिंड का जो तनाव होता है वह पिंड के भार का 6 गुना होता है, क्लियर। यह कहलाता है वृत्ति मार्ग पर पिंड की गति का फाइनल इक्वेशन। तो यहां पर 3 हमने रिलेशन निकाला, ये अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना, क्रांतिक वेग बोले तो यहां तक निकालना है, यदि निम्नतम बिंदु पर पिंड का वेग बोले तो क्रांतिक वेग के साथ यहां तक निकालना है, केवल इतना नहीं ना, इसके साथ। और यदि यह क्वेश्चन आपको पूछे कि निम्नतम बिंदु पर पिंड का भार का 6 गुना होता है तनाव बल, तो फिर आपको ये भी निकालना पड़ेगा, ये भी निकालना पड़ेगा और पूरा निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप इस वैल्यू की सहायता से यहाँ पर पुट करते हो, सॉरी यहाँ पर, और ये निकालते हो, और इस वैल्यू को यहाँ पुट करके ये निकालते हो, तो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, क्लियर। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी और आपकी स्कूल में एग्जाम के लिए भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि ऊर्ध्वाधर मार्ग पर गति करने वाले पिंड की न्यूनतम बिंदु पर तनाव पिंड के भार का 6 गुना होता है, क्लियर। यदि आप चाहें तो अभी इस कैलकुलेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज नोट्स में आपको मिलेगा। यदि आप मेरे पैरेलल कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है कि आप क्लास में पढ़ो और साथ में नोट्स बनाते हुए चलो, वो भी अच्छी बात है, नहीं तो बाद में मेरे से मिलेगा आपको, ठीक है। तो देख लीजिए इसको, इसके बाद हम इसके नेक्स्ट इसके छोटे से टॉपिक को पढ़ेंगे, क्लियर हो गया। चलिए, वैसे इसमें हमको बहुत से एग्जांपल पढ़ना है और सेकंड पार्ट में इसका मैं आपको कार की गति, वृत्ति मार्ग पर कार की गति, बंकी सड़क पर कार की गति, साइकिल सवार की गति, ये सब आपको पढ़ाऊंगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक जो इसी से रिलेटेड है ये मैं आपको पढ़ा दूँ। देखिए क्या है, आपको ये बात पता है कि किसी भी नाभिक के चारों ओर, मतलब यहाँ पर जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन की गति, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, ठीक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति, एक छोटा सा ये है कॉन्सेप्ट है जो आप पहले से जानते होंगे, उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां पर ये मान लो कोई नाभिक का
नाभिक है जिसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, धन आवेशित कण है क्या, प्रोटॉन, ये प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके चारों ओर वृत्ति पथ पर गति कर रहा है। निश्चित रूप से चूंकि वृत्ति गति कर रहा है, वृत्ति गति हम पढ़ रहे हैं, इसे मैं इस एग्जांपल को आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, तो इसके केंद्र की ओर अभिकेंद्र बल होगा जो कि एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा, ये हम जानते हैं। किंतु यहाँ पर जो अभिकेंद्र बल लगता है उसको कूलाम ने बताया था, कूलाम का नियम आप 10वीं क्लास में पढ़े होंगे और डिटेल में आप उसको 12वीं क्लास में पढ़ेंगे। तो कूलाम के नियम को थोड़ा सा पहले बता दूं मैं यहाँ पर, हो सकता है आप में से बहुत लोग को पता ना हो तो दिक्कत हो जाएगा। कूलाम्स लॉ क्या है, कूलाम्स का नियम यह है कि सपोज ये एक आवेश है क्यू वन मान लो, और ये दूसरा आवेश है क्यू टू, और दोनों के बीच की दूरी मान लो आर है, तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम का नियम कहलाता है। बाद में समानुपात के चिन्ह को हम हटा दें तो एक कांस्टेंट के का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर बात यह है, देखिए कि चूंकि इलेक्ट्रॉन वृत्ति गति कर रहा है जिसका अभिकेंद्र बल इतना होगा, लेकिन ये धन आवेश है ऋण आवेश है, तो इन दोनों के बीच में कूलाम के नियम के अनुसार इतना बल लगेगा, और वही बल क्या है यहाँ पर अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। मतलब इस कॉन्सेप्ट में पिंड का जो अभिकेंद्र बल है मतलब इलेक्ट्रॉन का एम वी स्क्वायर अपॉन आर होगा, जो कि कूलाम फोर्स के इक्वल होगा, और कूलाम का फोर्स है के क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अब आगे इसको हम सॉल्व करें तो एक आर इसके साथ में कैंसिल हो जाएगा और हम वी को लेफ्ट साइड में रख के बाकी सब उधर ट्रांसफर कर दें, तो दैट इम्प्लाइज वी स्क्वायर इक्वल टू के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू और अपान में आ जाएगा एम, और यहाँ से बचा हुआ है एक आर। अब यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर यदि ये पूरे क्वांटिटी मास उसका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान निश्चित होता है, प्रोटॉन पर आवेश निश्चित होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश निश्चित होता है, और के तो कांस्टेंट है, ये भी मतलब जितना रेडिंग से मैं घेरा हूँ वो सब के सब क्या है, एक नियतांक है। तो चूंकि एक नियतांक है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, क्योंकि बराबर के चिन्ह के सामने जितने नियतांक होते हैं उसके साथ मिक्स होते हैं तो समानुपात का चिन्ह बन जाता है। तो यहाँ पर वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, दैट इम्प्लाइज वी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन रूट ऑफ आर, ये होता है। और यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ वृत्ति गति में पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से हमको मतलब नहीं है, यहाँ पर हमको मतलब है वृत्ति गति के कॉन्सेप्ट से। और वृत्ति गति का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या कह रहा है, इस रिलेशन का आप ध्यान से समझो कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका वेग क्या होगा, कम होते जाएगा। इसी बेस पर सैटेलाइट के चैप्टर में उपग्रहों की गति में देखिए वृत्ति गति इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे अभी आपको कई चैप्टर में इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए आप वृत्ति गति को अभी घूर्णी गति में इसका उपयोग करना पड़ेगा, अभी हम उपग्रहों की गति पढ़ेंगे उसमें इसका उपयोग करना पड़ेगा, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मैटर पर यह क्या कहता है कि यहाँ पर आर क्या है, आर इलेक्ट्रॉन के से प्रोटॉन के बीच की दूरी है जो कि इसकी त्रिज्या है आर। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे जैसे आर का मान बढ़ेगा मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे नाभिक से दूर होते जाएगा उसका कक्षीय चाल भी क्या है, यहाँ पर कक्षीय चाल जिस कक्षा में वो घूम रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षा में घूमते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, तो उसका वेग क्या होता जाएगा अधिक, ये कम होगा तो ये अधिक होते जाएगा और अधिक होगा तो ये कम होते जाएगा। मतलब इससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि यहाँ पर मैं एक फिगर से आपको समझा दूँ कि मान लो ये प्रोटॉन है और ये उसके अलग अलग इलेक्ट्रॉन के कक्षा है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन के अलग अलग कक्षा है, तो जो जितना पास होगा जैसे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पर, तो जो जितना नज़दीक होगा उसका वेग उतना ही अधिक होगा, क्योंकि R का मान जितना कम होगा V का मान उतना ही अधिक होगा, क्योंकि दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपातिक संबंध है, व्युत्क्रमानुपातिक संबंध में एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से पता चला कि इलेक्ट्रॉन नाभिक से जैसे दूर होते जाता है तो उसका वेग क्या होते जाता है, कम होते जाता है, और जो नज़दीक होता है मतलब पहले कक्षा के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे ज़्यादा तेज़ी से घूमते हैं,
और बाहरी आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सबसे कम वेग से घूमते हैं। तो ये आज के वृत्ति गति में हमने ये दो टॉपिक क्लियर अच्छे से तैयार कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगा स्पेशली वृत्ति सड़क पर कार की गति, और फिर उसके आगे का डिटेल टॉपिक, ये आप अच्छे से रिवाइज करिए। और एक बात और आप ध्यान रखिए कि यदि वृत्ति गति का आपका पीछे का रिवीजन नहीं है तो प्लीज़ आप सबसे पहले समतल में गति में, क्योंकि वृत्ति गति हम पार्ट पार्ट में पढ़ रहे हैं, यदि पीछे का टॉपिक क्लियर नहीं होगा तो यहाँ आपको दिक्कत होगा, तो वहाँ पर रिवाइज कर लीजिए। ओके, थैंक यू।